जिथे जिथे रंगो श्री अश्विनी सेकरी जी ने दिन रात करके इथे इस रैली की काम हैनरी साहब बैर गुरकमल कौर जी तजिंदर सिंह बिट्टू जी कैप्टन अमरिंदर सिंह की आवाज सुनने के वास्ते उत्साह बहुत है तुहाडे ते जोश बहुत है हजारा की गिनती दे विच रैली के कोआर्डीनेटर एक्स मिनिस्टर श्री अश्विनी सेकरी जी ने वालों अवतार हैनरी जी के साथी आए सन और अवतार हैनरी जी का हमेशा ही जलंधर की सियासत दे विच ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਾਠਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਾਠਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਡਰ ਗੁਰਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚਰਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ इंडियन नेशनल कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह साथियों जिन्हों का सानू इंतजार सी पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर जी कैप्टन अमरिंदर सिंह साथियों तुसी सारे बड़ी देर से बैठे हो ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਡਰ ਗੁਰਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਬੀ ਔਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ दिन रात और तुसी सारे इकट्ठे होके आए इस रैली नू स्थान लै क्योंकि बहुत सारे साथी सड़कों के जो ट्रैफिक जाम हो रहा और ब्लॉक हो रहे हैं तो उन्होंने भी बेनती करा कि कुर्सियों के स्थान चलन ताकि बाकी जो लोग ने उन्होंने भी जगह मिल सके आके जरा जिले वालों कैप्टन साहब स्वागत करे कैप्टन साहब का आज जरा है दुआबे की धरती तो उतो होएगा पिछलिया लोग सभा दिया चोणा दे दुआबे दिया तीन या तीन ही लोग सभा दिया सीटा तो ही रहेंगे साडे उन्हां फ्रीडम फाइटर ने चाहे वो कामा गदा मारू का साका होए चाहे गदरी मां पिंड जितों हैनी साहब का पिंड है और उतों बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हां ने देश की आजादी के अपना योगदान पा के अज सानू ये अज आखिरी साह दे उते है और तुहाडे सहयोग के नाल आने वाले दो ढाई महीने बाद अज पंजाब की आर्थिकता किथे खड़ी है अज पंजाब बड़े पुख्ता प्रबंध किए हैं तुम अपनी अपनी सीटों के उ बैठ के साडे कांग्रेस पार्टी की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी ने रहनुमाई करी और चाहे दलित वर्ग के लोग है चाहे किसान है चाहे ट्रेडर है चाहे मजदूर है अज हर ने फैसला किया है कि पंजाब की कांग्रेस की सरकार बनानी बड़ी लाजमी है क्योंकि ना कोई खेडा की नीति है और ना ही कोई गरीबों वास्ते जो शहरी वर्ग के साडे गरीब लोग ने जो महल्या और पंजाब की कांग्रेस पार्टी की मेरी आने वाले दिनों
पंजाब दे विच एक निरोल ते पुख्ता सरकार बनाने वास्ते एक वातावरण बन रहा है। अज लोग जिहड़े घरां दे विचों बाहर लोगों को ये दस रहे हैं कि असी पंजाब दे कांग्रेस पार्टी के पिछे खड़े हैं और मैनूं यह पूरी आस है कि आने वाले दिनों दे विच पंजाब दे विच बदलाव साडी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जलंधर शहर में हमेशा क्योंकि यह राजनीति का तुरा है। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मेरी एक बेनती हथ जोड़ के बेनती है, किसी ने इंडिविजुअल नहीं जोड़े, मेरी हथ जोड़ के बेनती है, चर्च साहब साढ़े कैप्टन साहब सोनिया जी उन्होंने नारा लाना, कांग्रेस पार्टी का नारा लाना, होर कोई नारा नहीं लाना, है तुम्हें सारे सौ है, जे तुम होर कोई नारा लावो मेरी हथ जोड़ के बेनती है। जो पंजाब की करप्ट सरकार तुसी आ जे हजार की तादाद के थोड़े वर्कर चल के आया, इन्होंने इंसाफ जरूर दवाना, इतने 452 लगी बिना किसी कहे तो 307 लगिया, इन्हों लोगों के उत्ते तशद्दुद होया, और पंजाब की जनता और खास करके जलंधर की जनता वह दिन रीजली है कि जिस दिन वो टाइम आएगा जिस दिन वोटा पा के कांग्रेस पार्टी को जिता के तुहानू पंजाब का मुख्यमंत्री बनाउणगे। तो मैं ज्यादा बहुत सारे साथियों तो मैं पहला भी माफी मांग चुका और हूं प्रदेश कांग्रेस के आदेश के मुताबिक मैं बेनती करांगा साडे वर्किंग कमेटी के मैंबर सरदार जगबीर सिंह जी बराल ऑन स्टेज पे और आके अपने विचार रख बराल साहब। बड़े बड़े वड्डे वड्डे एडे एडे कमिश्नर शहीदों के नाम लैके जो गीत गायन करा करते सन, जो सरदार ग्रंथ से मर गए महान योधे ने पंजाब अमर लिया के आप भी शहादत का जाम पीता, तो जब कांग्रेस कोई चंगे सभ्याचारक प्रयोग बोलो और पंजाब का 87 वर्षों का बचाओ अजय तक मान ला एक भी किसी बंदे को पंजाब का रोल मिल सकिया। मेरे सरकारी भराओ मेरे वीरों मैं आपको बेनती करना चाहूंगा कि दुआबे में कांग्रेस का मान हमेशा रखे, दुआबे के अंदर मैंने उन्होंने पांच ने सरदार अमराव सिंह चौधरी दर्शन सिंह दर्शन सिंह केपी सरदार गुरबंता सिंह पहला नेता रहे और एडे एक बेनती करना चाहिए मैं खबरियां पार्टियां नूं इह कहना चाहूं जिन्होंने सारी उम्र फिरकू और फिरका परस्ती का विरोध किया, जिन्होंने भाजपा का विरोध किया, जिन्होंने अकाली दल का विरोध किया, अज उन्हां फिरकू कहण वालियां पार्टियां के तौर पर जो खबियां पार्टियां अपने चोन का ऐलान किया, मैं उन्होंने यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को और अगर अकाली दल को पंजाब चो हार देनी है, अगर पंजाब को बर्खास्त करना है, तो देशभगत शक्तियों को एक होना पड़ेगा, सारों को इकट्ठे होकर एक मंच से इन्होंने राज पावर को खत्म करने लई तुहानू सारों को एक बड़ा हमला मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर खबियां पार्टियां वोटर स्प्लिट हुई है, अगर खबियां पार्टियां का वोटर पे एक पास होर पैदा एक होर पैदा जो देशभगत शक्तियों ने लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने देश की जंगे की आजादी की लड़ाई ही नहीं सगो आतंकवाद के विरुद्ध जिन्होंने एडा भारी संग्राम करके पंजाब में एडा वड्डा खुशहाली के मार्ग वाल चलाया है और कांग्रेस पार्टी का खबियां पार्टियों ने शहीद मैं अब उन्होंने याद करना जिन्होंने कुर्बानियां करके पंजाब में और इस देश में एक सिरमौर पंजाब में सूबे के रूप में तुहाडी अपार कृपा के नाल कायम किया। मैं आप में ज्यादा समा ना लैके एक बेनती करना चाहना, ये साड़ी नेता का हुक्म है, मेरा फर्ज है, मैं तुहानू बेनती करा और मैं और मेहनत हो गया कोई ना कोई रास्ता निकलता है, कुछ लोग निकलते और हालात बदलते, उसे जिनी तादाद निकले कांग्रेस के वो कारकुन जिन्हों की कहानियां असं सुनिया किन्ने जख्म लगे किन्ने बदले लेते गए कि कई थक पहुंचे इस मिसरूल का शिकार होएगा उन्होंने आवाज पता लग गई
सड़कों के उपर रस्तों के जिस तरह देख रहे हैं कि हजारों की तादाद लोग पंजाब के अंदर आ रहे हैं इस वेले तक भी जो असी पंजाब जगत अमरिंदर सिंह अपने शब्द लेकिन आ हुण दे कानूनी वसा दे विच एक कदे मैं नहीं सोचा कि हो सकता इत्थे अज बोलिया कि मेरे प्रति अमरिंदर सिंह अपने शब्दावली बदले तो भाई तुसीं मैनूं दसो अगर कोई चोर है चाहे बुढ़ा चोर है या छोटा चोर चोर तो चोर ही हुंदा है मैं हुण इहदा नां कैसे बदलना चोर भी उही डाकू भी उही लुटेरे भी उही रेता वही छकने वाले बजरी पंजाब की छकने वाले सारी शराब के ठेके भी छकने वाले बसा की भी जो सुप्रीम कोर्ट जगमीत बराड़ जी ने कहा वो भी छकने वाले केबल टेलीविजन भी छकने वाले कोई एक चीज तो दस दौ किसी और दी हो महा चोर ने सर बिल्कुल थर्ड क्लास लोग जिन्हों कोई पंजाब का कोई इतने सोच नहीं आ जी गरीब जनता इतने बैठी है बड़िया चढ़ाइया ने भांडे भांडे देने ने महिला मंडल नूं उत्थे तस्वीर की दी प्रकाश सिंह बादल दी और उहदे मुंडे दी तवियां ते भी उहदे ते पतीजियां ते भी उहदी तस्वीर तुसीं साइकल दिओ साइकल दी टोकरी ते बीबियां नूं दिओ बच्चियां नूं उह भी बादल दी तस्वीर तुसीं हुण वैन दिओ इह जिहड़े हस्पताल दे वैन ने उहदे ते भी उहनां दी तस्वीर भाई इह पैसा अगर होवे अकाली दल दा जो मर्जी तुसीं वड्डी चलो पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा है यह सेंटर की जी 16 स्कीम है वह आया पैसा है वह हिंदुस्तान का टैक्स पेयर और पंजाब का जो टैक्स दिता है वह पैसा है तुम अपनी तस्वीर उसे कैसे ला सकते हो भाई पर नहीं जो तुम वरत रहे तुम इस किस्म का काम करी चलो और समझते हैं कि असं ये गलों भुलेंगे और पंजाब के लोग कोई कमड़े ने इन्हों पता ही नहीं कि क्यों ने इतने और मैं इन्हू कहना चाहना प्रकाश सिंह बादल नू कोई कुछ तू शर्म कर भाई तू दसद तेरी उम्र है पता नहीं किन्नी दसद हूँ अज 86 तक पहुंच गया अज जब मैं चीफ मिनिस्टर बनया 2002 च उदों ये 80 साल की अपना जन्मदिन मना रहा है सारा यूथ अकाली दल वाले उत्थे जाके फुल फल उन्होंने दे रहे से उत्थे अपने पिंड च उत्थे लंबी कितने वाला पिंड बादल पिंड मलोट के कोल और हूँ अज कहना कि मैं हूँ जी 86 साल का हो गया हूँ 10 साल सिर्फ 6 साल बढ़े अगे अपने ये भी झूठ सब कुछ ही झूठ ही झूठ मैं उन्होंने कहा बड़े शौक तो किसी चीज ये छड़नी मेरे वीरों करप्शन की हद है अन्ना जी का बयान सी कि मैं पंजाब आऊँगा तो मैं उन्होंने कहा बड़े शौक ना आओ और तो पहला तुम जरा पता कर लो कि मदद करने वास्ते आ रहे हो कल उन्होंने बयान दे दिता कि असी सिर्फ किसी पार्टी के खिलाफ नहीं करप्शन के खिलाफ आके मैं बोलूंगा तो तुम प्लीज आओ साधु पंजाब का भी फायदा होगा अगर तुम आके देखो कि करप्शन इन्होंने बादलिया ने इतने पाई हुई और बीजेपी वालिया ने रल के और फिर तुम जब देखोगे तुम आप ही पता लग जाओ कि खिलाफ तुम्हें अपनी तकरीर कर तो ये गल् मेरे वीरों ये सारिया बहुत गंभीर गल्लां ने साडे जय हिंद जय भारत।